क्या आपको भी सरकार के तरफ से शौचालय अनुदान नहीं मिला है तो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर आपको शौचालय के लिए अनुदान राशि नहीं मिला है तो आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियो पाइए आप रोजाना। आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आपको शौचालय के लिए पैसा नहीं मिला है, अनुदान नहीं मिला है, तो आप कैसे उसको ऑनलाइन कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये करवाने के लिए कहीं भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को पैसे देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, या आपको दुकान वाले के पास या साइबर कैफे में जाके वहाँ पे हरासमेंट होने की या लंबे लंबे लाइन लगा के पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से बहुत ही आसानी से ये काम कर सकते हैं। बस करना क्या है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे कि किस तरीके से शौचालय के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप सब कुछ समझ पाएंगे किस तरीके से शौचालय के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पायलट के लिए सरकार से अनुदान लेने के लिए आपको अपना ब्राउजर में टाइपिंग कर देना है IHHL, या अब मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से जाके आप इस पेज पे आ सकते हैं। जैसे मैं यहां पर टाइपिंग कर देता हूं IHHL, इसका जब इंटर करेंगे तो आपके सामने पहले ही वेबसाइट यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड लिमिटेड IHHL एप्लीकेशन, सिंपली आप इसको ओके कर दीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट पेज ओपन होकर आ जाएगी। आप देख पा रहे होंगे इस वेबसाइट पर आपको टॉयलेट के लिए अनुदान पाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो आपको यहां पर देख रहे हैं कि यहां पे आपका लॉगिन का ऑप्शन है, या यहां पे नीचे आके यहां देखिएगा कि एक न्यू एप्लीकेशन के लिए एक ऑप्शन है, तो यहां क्लिक हेयर पर क्लिक कीजिएगा। तो यहां से आप जाके एक अपना जो यूजर नेम और पासवर्ड बहुत ही आसानी से यहां से क्रिएट कर सकते हैं। तो यूजर नेम इस तरीके से क्रिएट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर आपको सरकार के तरफ से अनुदान की राशि आपको मिल जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक नाम डाल देना है, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ पर वैलिड ईमेल आईडी आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है, जो भी स्टेट में अब यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक आईडी प्रूफ देना होगा, जो आईडी यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि क्या आप दे रहे हैं, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार, तो जो भी यहाँ पर देना चाहते हैं यहाँ से आप चूज कर लेंगे। इसके बाद जो भी आईडी दिए हैं उसका नंबर आपको यहाँ पर डालना है, एक कैप्चा है, कैप्चा इसमें यहाँ पर डाल देना। अगर कैप्चा समझ में नहीं आता तो यहाँ रिफ्रेश कर लेंगे और जो भी कैप्चा आएगा आपको कैप्चा इसमें डाल के यहाँ पर रजिस्टर नाम पर ओके कर देना है। इसके बाद पूरा डिटेल आपको भरने का, सिंपली यहाँ रजिस्टर नाम पर ओके कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा देखिए, मैं कुछ गलत डाल दिया हूँ, तो कैप्चा जो भी है कैप्चा आप यहाँ से सही से डालिए, जब स्मॉल है तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल, नहीं तो इस तरीके से आपका नहीं हो पाएगा। अब देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होकर आ गया है। ये आपका लॉगिन आईडी है, तो लॉगिन आईडी को आप सिंपली यहाँ से कॉपी करके रख सकते हैं। आप इस आईडी को बहुत ही आसानी से नोट करके रख लीजिए, या इसको एक पिक ले लीजिए, पिक करके फोटो खींच कर रख लीजिए। तो इस तरीके से आपका ये रजिस्ट्रेशन जो है सबमिटेड हो गया है सक्सेसफुल्ली। इसको सिंपली आपको यहाँ होम पे क्लिक कर देना है, तो आप जब डायरेक्ट होम पे चले जाइए, वो देखिए यहाँ पर आपका जो लॉगिन का ऑप्शन आ चुका है, तो सिंपली यहाँ ऑफिस लॉगिन का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका लॉगिन आईडी आ चुका है, अब पासवर्ड नहीं आया हुआ है। तो पासवर्ड के लिए क्या कीजिएगा, तो पासवर्ड के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन गेट वन टाइम पासवर्ड, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास जो लॉगिन आईडी आया हुआ है वो लॉगिन आईडी आपको यहाँ पर डालना है, जो ईमेल आईडी दिए थे वो ईमेल आईडी आपको यहाँ डालना है, या कैप्चा यहाँ पर डाल के यहाँ सेंड वन टाइम पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। अब देखिए कि यहाँ पर आपका वन टाइम पासवर्ड जो है आपका ईमेल आईडी पे या मोबाइल नंबर दोनों पर भेज दिया गया है, तो सिंपली यहाँ से ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर आपका पासवर्ड भेज दिया गया है, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और अपना जो पासवर्ड आया हुआ है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ऑलरेडी जो आपका पासवर्ड आ चुका होगा, तो वहाँ मैं आपको जो है पासवर्ड है वही आपको दिखा देता हूँ। इसको यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा ऑलरेडी यहाँ पर पासवर्ड आ चुका है,
तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे पासवर्ड आ चुका है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन आईडी है और यहाँ मेरा जो एप्लीकेशन की तरफ से मेरा पासवर्ड है, ये मेरा पासवर्ड यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। इसका सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के या कैप्चा डाल के आप सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है। इस तरीके से आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने का सिंपली यहाँ लॉगिन कर देना है। तो आप देख रहे हैं कि आप इस पोर्टल तो यहाँ से आपका पासवर्ड सेव या नेवर कर देना है। इस तरीके से आप अपने जो यहाँ पर होम पे आप इस तरीके से आप लॉगिन हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि आपका नाम आ चुका है, लॉगिन आईडी आपका आ चुका है। यहाँ जो आपका करंट पासवर्ड आप यहाँ पर चूज कर लीजिए और दोबारा से यहाँ जो पासवर्ड है वो यहाँ पर डाल देना है। तो करंट पासवर्ड जो भी आया था वो आपको यहाँ डाल देना है, जो भी न्यू पासवर्ड जो पासवर्ड बनाना है वो यहाँ डालना है। इसके बाद पासवर्ड को दोबारा से यहाँ कन्फर्म कर देना है। ये कैप्चा है, HTTP कैप्चा आपको यहाँ पर डाल देना है, स्मॉल तो स्मॉल और कैपिटल है तो कैपिटल यहाँ पर डाल के यहाँ चेंज पासवर्ड पर ओके कर देना है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि मेरा ऑलरेडी जो यहाँ पे पासवर्ड चेंज हो चुका है और यहाँ पे सेव और नेवर का ऑप्शन आ चुका है। चलिए मैं यहाँ से नेवर कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा डिटेल पूरा यहाँ पे शो कर दे रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि आपके सामने पूरा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसके आपके सामने इस तरह से डिस्प्ले हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपना जो है पूरे डिटेल को यहाँ पे आपको ऐड कर देना है, साझा कर देना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अपना जो स्टेट ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट, इसमें से चूज कर रहे हैं जो भी डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ से जाकर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको UBL नेम यहाँ पर चूज कर लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पर UBL मतलब अर्बन लोकल बॉडी का आपको चूज कर लें कि आपका कौन सा है। तो यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ जो भी मेरा अपना है। यहाँ अपना वार्ड चूज कर लेंगे, जो भी वार्ड है आपको इस तरीके से वार्ड चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ दे रहा है कि टॉयलेट ऑनर का पिक्चर यहाँ पर लगाना है, तो जिसका भी है वो उसका पिक्चर आपको यहाँ पर लगाना होगा। तो यहाँ पे आपको टॉयलेट ऑनर पार्टिकुलर्स का नाम यहाँ पे ऐड कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का जो भी नाम है यहाँ पे ऐड कर देना है। जेंडर यहाँ से मेल फीमेल जो भी है सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद इसके बाद हस्बैंड और फादर का नाम डाल देना है। एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद रेसिडेंशियल एड्रेस का पूरा पता यहाँ पर डाल देना है। एक बार स्टेटस ऑफ एक्सटेंशन टॉयलेट का यहाँ पर आपका डाल देना है कि नोट एक्सटेंशन और इंस्पेंटरी लेबोरेटरी क्या है लैंटरिंग। इसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि आपके पास टॉयलेट है, अगर है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो यहाँ पर हम नोट पे कर देते हैं क्लिक। इसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि आप क्या डेबिट के इस माध्यम से पैसा लेना चाहते हैं, तो ये ऑटोमेटिक लॉक है, आप इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आधार अवेलेबल है या नहीं, तो यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर पूरा यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आप टॉयलेट का निर्माण खुद करना चाहते हैं या विभाग के द्वारा कराना चाहते हैं। तो अगर विभाग के द्वारा कराना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। अगर आप कराना चाहते हैं तो यस पर करेंगे, नहीं तो हम नो पर ही क्लिक कर रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको पूरा जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो आपको डालना पड़ेगा। यहाँ IFSC कोड डालना है। इसके बाद यहाँ पे आपको IFSC कोड डालने के बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे सर्च पे क्लिक कीजिए तो यहाँ देखिए देख रहे हैं कि यहाँ पे IFSC कोड आ चुका है। यहाँ जो बैंक ने वो ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ बैंक सिटी का जो भी है ये आ चुका है। यहाँ पे देख रहे हैं कि बैंक ब्रांच नेम ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि अकाउंट नंबर डाल देना है। अकाउंट नंबर को यहाँ से दोबारा से कन्फर्म कर देना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका यहाँ जो है इसको सिंपली ओके कर दीजिए। यहाँ पर अपना जो अकाउंट नंबर डाल दिया। इसके बाद यहाँ बोल रहा है कि पासबुक का फर्स्ट पेज आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका जो फाइल का जो साइज होना चाहिए 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये JPEG PNG GIF BMP फाइल में होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ से चूज फाइल पर जाकर जहाँ भी फाइल हो उसको आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। जो जहाँ भी फाइल हो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि बेनिफिशियरी जो है उसका फोटो कॉपी आपको यहाँ 50 KB अपलोड कर देना है। यहाँ जो है फॉर्मेट साइज है JPEG PNG GIF BMP में, तो इस तरीके से फाइल का आपको सिंपली यहाँ पर जाना है। जाने के बाद जहाँ भी फोटो है वो फोटो का सिंपली आपको इसके तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर फोटो आ चुका है। यहाँ पर आई एग्री पर ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो अप्लाई पर ओके कर देना है। तो अप्लाई पर करते ही यहाँ पर पॉपअप आता है कि आप क्या यहाँ से कन्फर्म डिटेल है, तो अगर है तो सिंपली यहाँ से ओके कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप करेंसी में इसको ऑलरेडी करेक्शन कर सकते हैं। चलिए मेरा सब कुछ सही है तो मैं यहाँ पर इस पर ओके कर देता हूँ। ओके करते ही कुछ इस तरीके से आपका कुछ ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। इतना करते ही देख रहे हैं कि आपके सामने ये पूरा जो आप फॉर्म फिलअप किए हैं वो आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम, इसके बाद बैंक का ब्रांच, इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन आईडी वो एप्लीकेशन आईडी ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। इसका डेट यहाँ पर आ चुका है कि आप कब डेट में किए हैं और आज का डेट आपका आ चुका है कि आज 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 के डेट में यहाँ पर आप
अप्लाई किए हुए हैं। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। तो इस एप्लीकेशन नंबर सिंपली यहाँ प्रिंट वाले ऑप्शन है, प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको बहुत ही आसानी से प्रिंट करके रख सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर प्रिंट वाले पर क्लिक कर लेते हैं और मैं इसको सेव करके जहाँ भी रखना है पहले मैं डेस्कटॉप पर रख लेता हूँ और ये पाथ में वही रहने देता हूँ। इसको सिंपली सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑलरेडी मेरा सेव हो चुका है। इसको तो यहाँ पे आपको होम पेज पर आ जाना है। कभी भी आपका एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आप IHL ओके करेंगे, यहाँ पर अपना जो एप्लीकेशन आईडी हुआ हो यहाँ पर डालेंगे, नाम जो था यहाँ पर डाल के यहाँ सिंपली सर्च कर देना है। सर्च करते ही आपको कुछ इस तरीके से ये दिखला दे रहा है, यहाँ बोल रहा है स्टेटस इंडिविजुअल हाउस होल्डिंग लिविंग एप्लीकेशन, कुछ इस तरीके से आपका स्टेटस शो कर देगा। यहाँ देख रहे हैं कि एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ है, करंट स्टेटस है, यहाँ देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से टॉयलेट के स्टेटस यहाँ पर आपको करंट बता रहा है और यहाँ पर देख रहे टॉयलेट स्टेटस जो है उसका एक्शन डेट ये बता रहा है यहाँ पर करंट है। तो इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन यहाँ से बहुत ही आसानी से इसका ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ होम पर जाइएगा, होम पर जाने के बाद यहाँ देख रहे हैं प्रिंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप का, तो यहाँ पे भी आपका प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर जाके जाने के बाद यहाँ एप्लीकेशन नंबर और नाम डाल के दोबारा से यहाँ प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, यहाँ देख रहे हैं। तो यह बहुत ही आसानी से प्रिंट आउट निकालना, अगर भूल गए वहाँ से तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं इसको बहुत ही आसानी से। अगर आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है अगर किसी भी प्रकार का करेक्शन है तो यहाँ पर जाएंगे एडिट टू रिजेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर नाम डाल के बहुत ही आसानी से यहाँ करेक्शन कर सकते हैं अपना फॉर्म का। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि अप्लाई यहाँ पर फुल बैक एप्लीकेशन यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आपका जितना एप्लीकेशन भरे हुए ये ऑलरेडी बैक हो जाएगा। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद आपका पूरा एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगा और इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने जो फॉर्म है उसमें करेक्शन कर सकते हैं। सो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपने शौचालय के लिए बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। सो आज अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपको शौचालय के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसको आप कैसे घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से आप कैसे कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।